हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फोरम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एएससी यूनिट ऑफ 71 सब एरिया हेडक्वार्टर नॉर्थन कमांड ने एमटीएस की वैकेंसी निकाली है, जैसे कि मैसेंजर, सफाई वाला, कुक, इनसे रिलेटेड जो वैकेंसी आउट हुई, काफी बड़े रिक्रूटमेंट होने वाले हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसकी जो फीस है वो बिल्कुल जीरो रहेगी, यानी बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखें, यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आगे आने वाले सभी ऑफलाइन रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे ऊपर आपको लिखा मिल जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हेडक्वार्टर नॉर्थन कमांड एंड हेडक्वार्टर 71 सब एरिया। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको वैकेंसीज के बारे में बताया गया। तो सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट के साथ पे स्केल, एज, आपका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, वैकेंसीज के बारे में डिटेल दी गई है। तो देखिए, पहले जो वैकेंसी मैसेंजर की निकली है, लेवल वन का जो आपका पे स्केल रहेगा, और दोस्तों आपकी उम्र जो है 18 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। टोटल जो है दोस्तों, यहाँ पर 5 वैकेंसी निकली है, 3 जनरल की, 1 एससी की और 1 एसटी की। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। इसी तरह आगे चलकर सफाई वाला और कुक की वैकेंसी निकली है। दोनों का जो पे स्केल रहेगा दोस्तों अलग अलग रहेगा। अगर आप सफाई वाला के लिए अप्लाई करते हैं तो लेवल 1 का, और दोस्तों कुक का जो है लेवल 2 का पे स्केल रहेगा। आपकी उम्र दोस्तों सेम रहेगी। और दोस्तों, अगर आप 10वीं पास है तो भी आप सफाई वाले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कुक के लिए अप्लाई करते हैं तो 12th पास आउट आप होने चाहिए, साथ ही कम से कम 2 साल का जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब इसके बाद एलडीसी की जो वैकेंसी निकले, आपकी सैलरी लेवल 2 की रहेगी। दोस्तों आपकी उम्र जो है 18 साल से लेकर 27 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप 12th पास आउट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपकी टाइपिंग स्पीड भी देखी जाएगी, साथ ही दोस्तों आपका की डिप्रेशन भी देखा जाएगा। आप यहाँ पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। टोटल जो दोस्तों, यहाँ पर 3 वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों, इस तरह जो यहाँ पर सभी वैकेंसी निकली है, आप आसानी से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब आगे चलकर देखिए दोस्तों, एज रिलैक्सेशन के बारे में हमें बताया गया। तो जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से जैसे कि ओबीसी से, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों, फिजिकल प्रैक्टिकल टेस्ट की बात करते हैं। तो एक सिंपल सा आपका फिजिकल या फिर प्रैक्टिकल टेस्ट हो सकता है, लेकिन दोस्तों कन्फर्म नहीं रहेगा। और दोस्तों, अगर रिटन टेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपका जो रिटन टेस्ट होगा वो बायलैंग्वल होगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में होगा। दोस्तों आपसे जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल जो 4 पार्ट रहेंगे। और दोस्तों 150 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 150 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो भी 150 रहेंगे। हालांकि दोस्तों, टाइम ड्यूरेशन जो 2 घंटे का रहेगा। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 0.25 जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहेगी। आपसे जर्नल, इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जीके से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, अगर सिलेबस की बात करते हैं तो 10th लेवल पर या फिर 12th लेवल पर ही आपका सिलेबस रहेगा। यहाँ पर देखिए, आपका सिलेबस के बारे में जानकारी दी गई है, जर्नल, इंटेलिजेंस, जैसे कि रीजनिंग से रिलेटेड डाउट्स, शिक्षा, इंग्लिश में दोस्तों आपसे वोकैब, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर पार्ट 3 की में दोस्तों आपसे मैथ से रिलेटेड, जैसे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, यूज ऑफ टेबल्स, ग्राफ्स, मैचुरेशन, टाइम डिस्टेंस, इससे रिलेटेड जो है आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए या फिर जीके की हम बात करते हैं तो स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, इनसे रिलेटेड जो आपसे कुछ पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों, अब इसके बाद आगे चलकर सेंटर की बात करते हैं। तो सेंटर की दोस्तों जानकारी आपको बाय पोस्ट मिल जाएगी। अगर आप शॉर्टलिस्टेड हो जाते हैं तो दोस्तों आपको जो है बहुत जल्दी इसका जो पोस्ट मिल जाएगा। हाउ टू अप्लाई की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर ऑर्डिनरी पोस्ट से जो है या फिर स्पीड पोस्ट से अपना जो एप्लीकेशन लेटर है वो डिपार्टमेंट के पास भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको साफ साफ बताया गया ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको नहीं भेजने हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सभी एजुकेशन के सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट, और दोस्तों अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, आप बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपके डोमिसाइल और आपके आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट जो आपको भेजने होंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया गया। तो अगर आप कुक के लिए भरते हैं तो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी भेजना होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले बताया गया है आपका एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। तो एड्रेस मैं आपको बोल के बता देता हूँ, द प्रेजिडिंग ऑफिसर 5071 आर्मी सर्विस क्रॉप्स बटालियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट, पिन नंबर है 90507C/O56, आर्मी पोस्टल ऑफिस APO।
तो दोस्तों इस एड्रेस पर जो आपका एप्लीकेशन लेटर लास्ट डेट से पहले पहुंच जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं तो 4 फरवरी जो इसकी लास्ट डेट रहेगी, यानी 4 फरवरी से पहले आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि आपका जो सेल्फ एड्रेस एनवेलप होगा, यानी कि एक एक्स्ट्रा एनवेलप जो डालेंगे उस पर कम से कम 45 रुपए की जो स्टाम्प आपको लगानी होगी। आपका जो मेन एनवेलप होगा उस पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ अलग बताना है आपको। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख के आप अपनी पोस्ट का नाम लिखेंगे, यानी आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें उस पोस्ट का नाम। ये शिक्षा देखिए दोस्तों, आपका अपना खुद का नाम और मदर या फिर फादर का नाम लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, आप रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप जो दूसरा माध्यम यूज करते हैं तो उस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके आने जाने के लिए कोई भी टीए या फिर डीए नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपका एप्लीकेशन लेटर इनकम्प्लीट पाएगा, इनकरेक्ट पाएगा या फिर गलत फिल पाएगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट जो दोस्तों सेल्फ अट्रैक्टेड करके भेजने, अगर सेल्फ अट्रैक्टेड नहीं कहे गए तो भी इसे रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए, आपको बताया गया अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC भी भेजना होगा। इसी के साथ देखिए दोस्तों, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप अपने हिंदी और इंग्लिश में फिल कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप SC और ST या फिर OBC कैंडिडेट हैं तो आपको एक कास्ट सपोर्टिंग सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया वैकेंसी होने वाली है। दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं, आप इसका जो एप्लीकेशन लेटर है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फिल कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इसका जो एप्लीकेशन लेटर है वो कैसे फिल करना है इसकी जानकारी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।